आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। कहना चाहेंगे आज का जो रियल इंपीर अवार्ड्स है, तो क्या कुछ मतलब क्या कुछ होने वाला है, कितना धमाल मचने वाला है यहाँ पे? ये सीजन 2 है रियल एम्पीरियल अवार्ड का। इससे पहले 29 मई 2020 में हुआ था और उसमें रंजीत जी काफ़ी लोग आए थे, बट इसमें काफ़ी सेलिब्रिटी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, ऑल इंडिया से हैं, हर इंडस्ट्री में लोग आए हैं, बिजनेस से भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री से भी हैं, प्रोडक्शन हाउस भी हैं। जैसे कि हमने देखा था लास्ट ईयर भी मिशा जी आए थे, तो इस बार और कितने सेलिब्रिटीज आने वाले हैं और क्या कुछ अपने उसको मतलब किस तरह अरेंजमेंट्स कर सकते हैं? इस बार काफ़ी लोग आ रहे हैं, पाकी हेगड़े जी आ रहे हैं जिनको पिछले टाइम नेशनल अवार्ड मिला है, वरुण बुद्धा देव वो भी आ रहे हैं, काफ़ी मतलब लोग आ रहे हैं, उसका तो मैं नाम नहीं जानता हूँ। ओके थैंक यू सर। विजुअल साइड में तो सर क्या कहना चाहेंगे रियल एम्पीयर मतलब अवार्ड्स हो रहे हैं आज, कितना एक्साइटेड है और क्या कुछ अलग होने वाला है आज का दिन? रियल एम्पीरियल अवार्ड हमारा ये दूसरा अवार्ड है। इससे पहले लास्ट ईयर हमारा स्टार्ट हुआ था रियल एम्पीरियल अवार्ड, तो अभी ये सेकेंड है। तो हमें जो फर्स्ट में हम लोगों का जो उत्साह देखने को मिला उसको देखते हुए हम दूसरा ये करवा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर भी हम लोग कराएंगे, लेकिन वेन्यू ये रहेगा या बदल जाएगा नहीं मालूम। और आप लोगों की वजह से ये सफल होता है, अदरवाइज़ कहाँ सफल हो पाएगा। आप ही लोगों का साथ हमें चाहिए होता है और आप लोग करते रहते हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा भी तमस आइकोनिक अवार्ड भी हम ही लोग कराते हैं, बाकी रियल एम्पीरियल अवार्ड हमारा फर्स्ट है तो अच्छा है। आप कीजिए और कुछ। तो लास्ट ईयर हमने देखा था अमित शाह जी भी आए थे, हाँ। तो इस ये ईयर मतलब क्या कुछ अलग होने वाला है और कौन कौन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्या इस तरह रहेंगे? और भी कई सेलिब्रिटीज़ आएंगे तो आप देखेंगे, आप सब देखेंगे, जो भी आएंगे वो इधर से ही गुजरेंगे, आप लोगों को बैठ देते हुए जाएंगे और आप देखिएगा। और एक सेलिब्रिटी आ चुके हैं मतलब मेरी नज़र में सेलिब्रिटी, दिस इज सोनिया सोनू गुप्ता। सो थैंक यू फॉर कमिंग, धन्यवाद पुनीत जी का, उन्होंने मुझे बुलाया, एंड राज राजपूत जी सर का, सो थैंक यू फॉर इन्विटेशन फॉर मी एंड माई हस्बैंड, से ऑल यू, थैंक यू सो मच। वेरी एक्साइटेड टू रिसीव, आई एम गोना रिसीव लाइफ बेस्ट सिंगर बॉलीवुड अवार्ड फॉर द ईयर 2023 एंड आई एम रियली थैंकफुल टू तमस राज जी, राज राजपूत जी, एंड आई एम रियली ग्लैड, आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी फॉर द अवार्ड। So I've got an award for best female Bollywood singer of live singer performance. Thank you so much. I'm very excited and thank you very much. सबसे पहले राज जी जिन्होंने मुझे यहाँ पे invite किया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कुछ expect कर रहे हैं और कितने सारे मतलब different different performance होने वाले हैं, तो कितने excited हो और कितना धमाल मचने वाला है यहाँ? देखो ये एक ऐसी संगत है ना, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो सब अपनी अपनी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करके आए, तो जब ऐसे लोगों का माहौल मिलता है ना, जब ऐसे लोगों की एक संगत एक जगह जमा होती है तो वहाँ पर डेफिनेटली बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें निकल के आती हैं और आज डेफिनेटली बहुत कुछ निकल के आएगा जो आप लोग को मिलने वाला है। थैंक यू। सो बाकी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैसे इम्पीरियल अवार्ड है रियल इम्पीरियल, क्या कुछ क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है, क्या कुछ अंदर धमाल होने वाला है? Real Imperial Awards 2023 is happening and this is the second year, so I could not be the part of this event in the last year, so I'm very excited, there's a lot of excitement going on inside, so even I'm looking at getting the excitement part of it, the music and entertainment is going to be fun, so you guys will surely watch it. Okay, jaise ki awards baat karte hain, awards ki baat kar rahe hain, to matlab kitna मुझे लगता है एवरी आर्टिस्ट इज़ वेरी फ्लैटर्ड व्हेन इट बिकम्स द अवार्ड पार्ट ऑफ इट, क्योंकि आर्टिस्ट अपनी मेहनत तो हमेशा करता है लेकिन जब किसी अवार्ड से नवाजा जाता है तो उसकी एक्साइटमेंट डिफरेंट होती है और हर एक की मेहनत का रंग जो है वो अवार्ड पाने से ही मिलता है, तो आई थिंक देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट एंड इट्स अ वेरी वाव फीलिंग दैट आई एम नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट नेगेटिव कैटेगरी for my one of my show on Star Plus Rajjo,
So I would like to thank the whole team of Real Imperial Awards 2023 for nominating me for this particular award in this category. And yes, I would especially like to thank each and every team member of Real Imperial Awards, especially Tapasji, Rajji, and Qureshi ji for having me here. Thank you. बहुत ही ज़्यादा excited हूँ, ये मेरा first time इस award पे. And मैं thank you बोलूँगा तमस्प्री private limited को, राजपूत सर को, राज राजपूत अंगुरा सर को, and पुनीत जी को, उत्तम सर को, कि उन्होंने मुझे invite किया इस award के लिए. And I'm super excited and super happy. And yes, I cannot express this feeling in my own words. Recently, what are the very biggest awards? उसके बारे में क्या कहना, कितने मतलब कितने excited हैं? बहुत ही ज़्यादा excited हूँ मैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एक बहुत ही memorable moment था मेरे लिए, एक dream था, एक actor का dream रहता है national award जीतना, and जो मुझे इतनी कम उम्र में मिला है, तो I'm very grateful for that and thank you so much God for everything. And to all my godfathers, like all my fans, my mom, my dad, my grandfather, and all my relatives and all my family. Thank you so much for your support and blessings, and always need your love and blessings. Thank you so much. बहुत धन्यवाद. आप लोग फिर से आए, पिछली बार वाला भी आपने बहुत सफल बनाया था इवेंट, और इस बार के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू. और आप सबका स्वागत में तो देर हो गई, पर फिर भी मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट. मैम स्नेहा जी भी आ गई, मैं आज गेस्ट के तौर पर लास्ट ईयर में आपने किया था, तो ये मतलब आगे और किस तरह धमाल होने वाला है, और आज कितना एंजॉय किया आपने? आज बहुत एंजॉय किया, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ पे जितने भी गेस्ट लोग हैं, आप लोग हैं, हमारे को अच्छे लगने से ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए. हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और आगे के जो भी विजन है सीमान जी के, राज राजपूत जी के, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं अच्छा, जैसे कि कुछ उनके प्लान थे उसमें ड्यू टू सम रीज़न पोस्टपोन हो गए, बट आगे आप लोगों का सपोर्ट बहुत लगेगा और हम कुछ बड़ा करेंगे इस बार. और मैं यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह से आगे आप सपोर्ट करते रहे हमें, और क्योंकि आप लोगों का ना मेन रोल रहता है हम लोग को सक्सेस बनाने में, तो सबसे ज़्यादा थैंक यू आप लोगों के लिए, और आज के इवेंट अच्छा गया, थैंक यू वेरी मच. क्या कहना चाहेंगे आपका जो रियल इंपीरियल अवार्ड है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए रियल इंपीरियल अवार्ड के बारे में मुझे अभिषेक अरोड़ा मेरे ब्रदर ने बताया, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, और मैं स्पेशली इसी अवार्ड के लिए ही दिल्ली से आया, तो मुझे लगा कि यार अच्छा है, मुझे जाना चाहिए, और देखा कि कितने सारे लोग आ रहे हैं, कितने सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, तो ये सारा जो क्रेडिट है वो अभिषेक अरोड़ा की वजह से है, इन्होंने ही मुझे बुलाया. और हम लोग सर जो है अपना सारा क्रेडिट मुझे दे देते हैं, इवन क्रेडिट कार्ड भी दे रखा मुझे. मेरे बड़े भाई हैं और इनकी कंपनी है डैम्स हार्डवेयर, अभी किचन एक्सेसरीज, बाथरूम एक्सेसरीज ये सब बनाते हैं, और पूरे दिल्ली में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनका जो ब्रांड है डैम्स हार्डवेयर बहुत ही अच्छी कामयाबी पे है, सक्सेस है, और बहुत अच्छे से इसको हम प्रमोट कर रहे हैं. जो अवार्ड मिला है मतलब क्या कैटेगरी में मिला है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ. गॉट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ इंपीरियल, रियल इंपीरियल अवार्ड. इट्स अबाउट द ईयर startup business for best manufacturing award which I've received from this company by this organization, and I'm very much thankful to achieve this award, and I feel very proud of myself to take they have organized a very good event. I bless them also and let them bless me too to get many more awards in the future. Thank you.